थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम. सो हमारी शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से कि ये गाना सुपर डुपर हिट होगा. इवन आने वाले सारे गाने सुपर डुपर हिट होंगे. और अब मैं चाहूंगी कि हमारी वीडियो जो बहुत देर से इंतजार कर रही है हम स्टार्ट करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. टेबल रखो. ये बाबा का ऐसे लगेगा. सो व्हाट्स ऑल हैपनिंग विद दिस सॉन्ग? कैसा लग रहा है सुनकर देखकर मजा आ जाएगा. देखिए मैं तो आज आई हूं एबी बंसल म्यूजिक जो शराबी लॉन्च है इस काम कर रहे हैं. तो She has done a very good job, बहुत ही अच्छा. और जो मेरे best friend है अल्तमस, the great singer of Bollywood, you know, legend, he कहूँ इनका ऐसा कोई song नहीं है जो आपको बिल्कुल नाचने पर dance करने पर मजबूर ना करे. और उस पर सोने पर सुहागा हमारे जो मुदस्सर जो हमारे भाई है, तो ये great choreographer, I can say director. और डेफिनेटली बंसल साहब तो मेरे भाई है ही है. तो जब मुझे आज पता चला कि आज लॉन्च है और हमारे भाई ने बोला कि राखी हमारा हीरो नहीं है, कोई नहीं है, तो आपको आना है, तो मैंने कहा अरे भाई ये तो अपना ही प्रोडक्शन है. इससे पहले भी हमने झूठा और हाँ दो म्यूजिक वीडियो लॉन्च किए थे. तो बिल्कुल आज हम बिल्कुल रेड वाइन बन के आए हैं. गाना गाना है पूरा शराब पर, तो हम भी एक इस शबाब पर शराब छाई हुई है तो आए हैं. और मैं तो यही कहना चाहूंगी नाम न लेते हुए, भाई घमंड तो राजा रावण का भी नहीं रहा, तो तुम क्या चीज हो. तो यही बोलूंगी कि प्रोड्यूसर चाहे छोटे हो चाहे बड़े, पैसे गांधी जी जो हमारे 500 या 2000 के नोटे पैसे तो वही लगते हैं, तो रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए. और अगर हीरो आ जाते तो चार चांद और लग जाते, बट नहीं आई है तो हटा सावन की घटा राखी सावंत ही काफी है इस गाने को लॉन्च करने के लिए. और मैं आई हूँ ये गाने को लॉन्च करने के लिए. सबको बधाइयाँ देती हूँ कि ये गाना मिलियंस बिलियंस में चले, हर क्लब और हर हर एवरीवेयर सबको गाना. तो देखो शराब का ये जो गाना है ना वो बहुत चलता है, क्योंकि तो रोज दिन में करोड़ों दिल टूटते और जुड़ते हैं. तो आज तो मेरा भी दिल टूटा हुआ है, बट मैंने कभी शराब का सहारा नहीं लिया. और अभी जो वो मैंने डांस किया है वो शराब नहीं थी, रेडबुल था, समझ गया ना. तो मैं नहीं पीती हूँ मैं बता दूँ, बट वो एक मेरा परफॉर्मेंस था, वो एक डांस था इस सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए. यू नो जब राखी कुछ करती है तो अलग करती है, इसीलिए. नहीं ऐसा कोई बात नहीं थी कि आसिम रियाज ने हमारा पहला गाना भी करा था, तो हमने सेकंड गाना भी इसलिए सो ये थोड़ी पता था कि वो आ नहीं पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम है. अब उनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम होगी मेरे को नहीं पता क्या है. एंड टाइम पे उनका फोन आया कि मैं नहीं आ सकता, कुछ प्रॉब्लम है. तो सारा सेटअप तो हो ही गया था, हम क्या कर सकते. मगर राखी जी थे, राखी जी की बल्कि आज फ्लाइट भी थी, तो मैंने उनसे बोला राखी जी आपको तो आना पड़ेगा, भाई का गाना है तो आपको तो आना पड़ेगा. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो आऊँगी, मैं कल चली जाऊँगी आज के. तो आई एम वेरी थैंकफुल राखी जी. और आसिम रियाज से काम अच्छा करा, सब कुछ अच्छा है. चांस की बात है क्या कह सकते, मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता इस बारे में. हल्के में पसंद है. मानविता, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? And this time it was we were a little time constrained with our camera look center. लेकिन हमें shoot करते हुए बहुत मजा आया. I think काफी लंबा shoot चला था हमारा, कुछ बहुत सारे घंटे थे. लेकिन बहुत मजा आया. I mean I'm the happiest when I'm working on set. So I had a good time. मुदस्सर बहुत कम dance देखने को मिला है. I know your दिल की तमन्ना says कि बहुत dance करना था. तो प्रॉब्लम क्या रही, व्हाई वेरी लेस डांस, यू कुड डू अ लॉट. आई मीन आई वांट टू आस्क द सेम क्वेश्चन. या आई विश कुछ सच बता दो. कोई टोन तो नहीं था एक्टर. नहीं बेसिकली हर एक फिल्म के जो सॉन्ग होते हैं उनकी उनकी तरीका अलग होता है, और जो म्यूजिक वीडियो होते हैं म्यूजिक वीडियो का एनवायरनमेंट अलग होता है. उसकी एक पर्टिकुलर डेज होते हैं रिहर्सल के, उसकी पर्टिकुलर टाइमिंग होती है. तो जब हम उसको रिहर्सल का एक दिन पकड़ते हैं और उसका हम एक शूट का डे पकड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें कभी कभार हमको ये नहीं पता होता है कि आर्टिस्ट कितना उसको कोप अप कर पाएंगे. तो बातें होता है यार हमको और दो तीन दिन रिहर्सल करनी चाहिए,
वो होता है तो बट एनीवेज दिस इज लाइक अ शराबी वाला सॉन्ग बट अभी आपका ये हिट हो गया वाला हां ये वाला तो ये हिट बनाने में भी कितना टाइम लगेगा बिकॉज़ हर हुक बनाकर चेंज करना देन टू सी इज इट फिटिंग टू द सॉन्ग इज आल्सो अ टास्क फॉर अ कोरियोग्राफर देखिए स्टेप तो हर कोरियोग्राफर अच्छा देता है अभी की जनरेशन ऐसी चल रही है कि आपको लोगों को अपनी चीज दिखानी भी पड़ेगी अच्छी बनानी भी है और उसको दिखाना भी है वो दिखाने का काम प्रोड्यूसर्स का होता है और मार्केटिंग टीम का तो वो लोग कितना ज्यादा के दुनिया को दिखाएंगे ये स्टेप तब वो उतना हिट होगा तो मैंने मेरा मेहनत करके किया बंसल जी ने उसको लगा के मेहनत करवाई हमने अब इसके बाद का जो मार्केटिंग टीम है वो गाने को कितना वायरल करती है उस स्टेप को कितना पहुंचाती है वो उसका क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जिसमें अच्छे स्टेप्स होते हैं लेकिन वो नहीं चलते क्योंकि वो पहुंचे नहीं होते बैलेंस पे डांसर कौन है आसिम और मालिका आ मालिका सवाल आपसे है जो लिरिक्स है गाने की वो गाने की लिरिक्स और आपके गाने में और आवाज में सबको एक नशा छा जाता है वो उसका वो रीजन क्या है देखो दिल दिल एक है हमारे पास और इसमें इमोशंस है और बहुत ये एक मैसेज बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक इमोशनल और एक मतलब ऐसा सॉन्ग कि शराब के ऊपर है गाना लेकिन वो आपको इमोशनल भी कर रहा है और आप उसमें एंजॉय भी कर रहे हो तो वो ट्रैक ऐसा बना हुआ है कि आप मजा भी कर रहे हो है ना और आपका वो फील भी नजर आ रहा है कि आपका दिल टूटा हुआ है तो ये मुझे लगता है कि गाना इतना खूबसूरत बनाया है आसिफ ने मैं उसको थैंक बोलना चाहता हूँ उसने बहुत खूबसूरत कंपोज किया है और जो लिरिक्स लिखे हैं तनवीर गाजी जी जो है वो बहुत अच्छे शायर हैं वो तो मैं उनको भी थैंक्स बोलूँगा और ये गाना मुझे लगता है ये गाना किसी का मोहताज नहीं है इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इस गाने में कोई भी होता तो ये गाना हिट था ऐसा जरूरी नहीं है देखो क्या होता है ना चीज अच्छी होती है ना बहुत ऐसे गाने हैं हमें हम भी आजकल देखो ना यूट्यूब पे अभी कैसे कैसे गाने चल रहे हैं लेकिन ये बात सही है कि मेहनत सबने करी है मुदस्सर भाई ने बहुत मेहनत की है तो क्या होता है सोने पर सुहागा हो जाता है जैसे हमारी जो हीरोइन है मालिका जी बहुत अच्छा आपने गाया बट मुझे ऐसा लगता है अगर इनके साथ कोई नया एक्टर भी होता ना तो definitely. ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई स्टार ही आएगा तो गाना हिट होगा चीज अच्छी होनी चाहिए और अपना दिल से हमारे जो अभय सर हर गाना बहुत दिल से ये बनाते बहुत अच्छे हैं उस पे ये पूरा फ्रीडम देते हैं कि आप जितना ये मतलब ऐसा नहीं बोलते कि यार बहुत ज्यादा ये लग गया इतना पैसा लग गया बहुत दिल खोल के पैसा लगाते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि यार काम अच्छा है इनको कोई मतलब ऐसा लालच भी नहीं है कि मेरे पास आए और आपको पता ही है आजकल ये म्यूजिक वीडियो में कुछ ऐसा पैसा तो मुझे आता नहीं है रिकवर बट ये बहुत बड़ी बात है मैं मानता हूँ सर सैल्यूट करूँगा आपको कि बैक टू बैक हर महीने नए से नए गाना आप ला रहे हैं और इतना दिल से आप ला रहे हैं थैंक यू सो मच और मैं चाहता हूँ लेकिन ये गाना हमारा निकले सर भाई नहीं आपने एक बात सही कही है कि स्पेशली इस सॉन्ग को कोई चीज की जरूरत नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब मैं अपनी भी ये नहीं बोलना चाहूंगा ये गाने पर आप ऐसे ही ऑडियो भी रिलीज करते हैं तो भी बहुत चलता था बिकॉज बहुत अच्छा बनाया है कितना वायरल हो रहा है अभी लोग मुझे बोलते हैं यार उसका वीडियो हमने देखा नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं है ऑडियो अच्छा होना चाहिए ना तो वो निकल जाता है दो बड़े सवाल है मेथड एक्टिंग की तरह मेथड सिंगिंग तो नहीं की आपने ट्रायल एंड टेस्ट के चलो देख लेते हैं फील जोन कैसा आएगा दूसरा कंपोजिशन कुछ और भी हो सकती है बादशाह इज देयर राइट दीस कंपोजिशन ऑफ बादशाह या इन तरीके के सिंगर्स जो है वो अलग इट हैज गजल वे इट हैज क्लासिकल वे सो ये कंपोजिशन कैसे चूज किया नहीं नहीं एक्चुअली ये सैड सिचुएशन थी उसके हिसाब से लोगों ने ये थोड़ा हमने इसमें गायकी दिखाई है अभी इसमें बादशाह भी आ सकता है हनी सिंह भी आ सकता है बट उनका जोन अलग है सही है ना वो उनका एक अलग वो ट्रैक पे काम करता है समझ रहे हैं ना इसमें हमने गायकी दिखाई है तो इसमें जो सुर हैं जैसे स्टार्टिंग है
और के लिए गुनाह सही, हम पिए तो शबाब बनती है, सो गमों को निचोड़ कर एक कतरा शराब बनती है, एक कतरा शराब बनती है। तो एक माहौल है, माहौल के साथ साथ जो उसकी राइटिंग है, मैं शराबी नहीं था मेरे दोस्तों, बेवफा ने शराबी बनाया मुझे। अभी इतनी अच्छी उर्दू को मैं शराबी नहीं था, नहीं उसकी वो नजाकत है, वो कवाली या शायराने अंदाज में ही गा सकता है। क्या आवाज है भैया, क्या आवाज है, माइंड ब्लोइंग। तो क्या होता ना, उसकी वो ब्यूटी है सर। मैं एक वर्सेस साहब आपकी, मैं यहाँ पर आपको एक फैमिली देख रहा हूँ मैं, कि आपका एक हीरो नहीं आया लेकिन एक बहन आ गई आपके तरफ, और जो इस सबसे आपका जो यूनिटी और जो स्ट्रेंथ दिख रहा है लोगों का साथ, जो जिस तरह से बैठे हो, ऐसे लगता है वन फैमिली और वन वो सब। तो इसके बारे में आप, बंसल आर्मी है इसके बारे में क्या कहना बंसल साहब, आपको फिर भी अब फील तो हो रहा है और फिर भी एक तरह से खुशी भी है। नहीं, फैमिली है, देखो मदरसर भाई है, मतलब ये हम सिर्फ एक बिजनेस के लिए नहीं कर रही है, मेरी तो शुरू से इंटेंशन रही है कुछ अच्छा करने के लिए और सब लोगों को चांस देने के लिए। और इसलिए देखो ना, राखी को मैं बहुत कम समय से जानता हूँ, मतलब पहले मैं बाहर हूँ फॉर्म में, तो इनको मेरे को मिला हूँ तो इतना मेरे को इन्होंने प्यार दिया है, इतना मेरी इज्जत करती है, और एक आवाज़ पर भी कुछ भी छोड़ के आया थी, तभी इन्होंने आज तक मेरे से किसी पैसे की डिमांड नहीं है, कुछ नहीं, जो मैं देता हूँ चार रुपये मेरे साथ। तो ऐसा है प्रोड्यूसर भाई, ये मेरे से कोई डिमांड नहीं करते किसी चीज़ की, जो कहता हूँ कर भैया कर लेते, पैसा तो लगता है, प्रोड्यूसर बहुत लगता है, लेकिन ये एक रिस्पेक्ट है। अब हम पैसा लगाते हैं अब तो उसका ना, आपको हमको इज्जत देते, सपोज कोई एक्टर है चाहे हीरोइन है, सबको हम इज्जत देते हैं, एक काम दे रहे, नाम तो उनका, और प्रोड्यूसर को खास काम तो होता है, प्रोड्यूसर तो बाद में होता है ना। रिकवरी का तो मैं रिकवरी के लिए मैंने कभी भी नहीं किया, मैंने कहा एक शौक के लिए, और जो लोग मतलब दुनिया को कुछ अच्छा करने के लिए, सब दिखाने के लिए ना, मैं पीता फिर भी गाना सिखा देता, जो दर्द है लोगों का। अब इस गाने से आप देखो ना, दर्द बाहर आता है, जरूरी है पीना ही आपको जरूरी है, तो इसलिए अजमत भाई जान लो, देखो इनका एटीट्यूड कम नहीं है, लेकिन मेरे लिए कहेंगे नंगे पैर चले आए। अब हीरो ने देखो कितना काम किया है, मालविका जी ने बहुत अच्छा करा, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, आपको बस थोड़ा सा दर्द हुआ कि वो असी माए आ जाते तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि मेहनत तो उन्होंने भी कर करी है, मगर उन्होंने मतलब अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करी है, और अगर उन्होंने 15 घंटे काम किया, आई एम जस्ट वेरी अप्रिशिएट फॉर दैट। बट हो सकता है कोई फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है कुछ, बट ही इज ए वेरी गुड एक्टर, और शायराना ने तो बहुत सब ये सवाल के सब ये देखती है, मैं तो कभी कभी आता हूँ, पैसे देने आता हूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बाकी आप सब लोगों का सपोर्ट है, ये सारी फैमिली है, फैमिली तो बनाने से बनती है, जरूरी रिश्ते ही हो तो फैमिली होती है। वो बोलते ना, वो लोखंड को लोहे को, मैग्नेट को लोहा ही चिपकता है, प्लास्टिक या कचरा नहीं चिपकता, क्या बात है। तो इसलिए जहाँ पे एक अच्छा सोल रहती है, एक अच्छी एनर्जी रहती है, तो वहाँ पर बाकी अच्छी एनर्जी भी जुड़ जाए। बाकी सब ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा करा, असीम भाई ने बहुत बढ़िया काम किया, और सबसे बड़ी बात होना 15 घंटे बिना उसके नॉन स्टॉप काम किया, कोई उन्होंने वो नहीं किया कि नहीं मैंने करना, पता नहीं हो सकता है हमारी ग्रह खराब है कि वैसे उनको, और सबसे ज्यादा मुश्किल ये था कि लोगों को कॉस्ट्यूम बहुत चेंज करने पड़े, तो वो भी काफी बार बार कॉस्ट्यूम भी चेंज किए। बट एनीवेज बाकी राखी थी, अभी फाइनली बहन है तो सब कुछ है, रुक ले समीर, नाम मेरा राखी क्या पड़ गया, सबकी बहन हो गई है भाई, चलो चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, और आप लोग आए, आप लोग हमें हमेशा मतलब, जी जी जी, चलिए मैं निकलूं, हेलो वेट वेट जी, क्या पूछ रहे हैं, नहीं नहीं।